अभी भी बोल रहा हूँ कोई जिस दिन बात हो जाए अभी आ जाए वो खुद आपके सामने मुलाकात करवा देगा, लेकिन थोड़ा सा समय तो दीजिए, जिस दिन आएंगे मैं आपको कॉल करूंगा। 6 दिनों का समय कम पड़ गया सर, लेकिन 6 दिनों बाद उनको भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए, उनसे भी बात करूँगा, उनको आज दिन का दिया हुआ था। बहुत अच्छा सर, विश्वास तो हम लोग 4 साल से कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, नंबर है, सब चीजें यहाँ पे हम आपको बुला, 4 साल से कर रहे हैं, विश्वास करते हैं बोल के हमारे जो माताएं बहने यहाँ काम करने आती है, विश्वास के थ्रू आती है सर, बिना विश्वास के कोई यहाँ भी नहीं सकता सर। देखो साथी है आपके साथ, एक कमिटमेंट करने लगा हूँ, 3 आएंगे अंदर सर, उसी समय ऑन द स्पॉट आपको बुला दूंगा, ये कमिटमेंट है। क्या अब है नहीं, कैसे करूँ, कैसे कोई जाए? भैया मैं एक दिनों का, 6 दिनों से मैं आया हूँ, ज्ञापन दिया हूँ, 3 दिन बाहर थे, 3 दिन थे होंगे सर, इन्होंने उनको सूचना भी दिया, उसके बावजूद कोई रिप्लाई नहीं सर। देखो सुनो मेरी बात, किसी भी कारण से कई बार ये हो जाता है कि आदमी व्यस्त रहते हैं, जिन लोग कमिटमेंट कर रहे हैं ना कि जिस दिन भी आएंगे हम सूचना देंगे, अगर आने के बावजूद सूचना नहीं दी जाती है तो मैं खुद ही इनसे क्वेश्चन करूँगा, तो मैं आपको एक जैसे इन्होंने किया हुआ सर, नॉर्मल सी बात है, एक आदमी का थोड़ा डिप्रेशन रहता है, ठंडा पानी है, लोन है, क्या है, उन्होंने बोला कि मुझे समय दो, तो मिल लूँगा, ये आपको बताया, लेकिन उसके बाद फिर अभी 2 दिन से फिर नहीं, 17 दिन जेल काटा हूँ सर मैं, मैं 17 दिन जेल काटा हूँ, मैं सुनिए ना सर मेरी बात को सुनिए, मैं फिर आपको सर के सामने कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जिस दिन भी आ जाएंगे 10 मिनट के अंदर गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, एक बार मान लें जैसा हो रहा है उसके बाद फिर आज आपको मुलाकात करा देंगे, जो भी बात है पूरी बात समझेंगे, दोनों के बीच में बात बहुत बड़ी इशू नहीं है, 2 मिनट में निकाले पर उससे बात होगी, यहाँ बैठ के बात करना चाहूँगी, यहाँ बैठे समय मांग लेना, जितने दिन बोल रहे हो उतने दिन। अब आप लोग मेरे को ये बताइए सर, आप लोग कितने दिन, मैं दिया था आप लोग, देखिए मेरे बता रहा हूँ, मैं कोई समय नहीं दूंगा, देखो तब बुला वो मालिक ये कैसे बता देंगे सर, मालिक मैं समझ रहा हूँ, एक बात आप ये बताइए ना सर, उनके 5 प्रॉपर्टी बराबर इसी के पहले में बोला, 5 प्रॉपर्टी में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाएगी तो केयरफुल तुम लोग हमेशा रहते हैं, केयरफुल नहीं थे सर आप लोग, केयरफुल आप लोगों का बिहेवियर से दिखता था, केयरफुल आप लोगों के व्यवहार से दिखता था, केयरफुल आप लोगों के गैस के जो आते थे उनसे दिखता था, केयरफुल आप लोगों के सर्विस के जो सर्विसेज जो देते हैं उन लोग से दिखता था, हम लोग को केयरफुल दिखा है ना सर। चलो कितना दिन के अंदर हो सकता है लगभग, मैं बता रहा हूँ अभी मैं कोई भी आपसे वर्ड्स कमिटमेंट नहीं कर सकता, अभी अगर आधे घंटे बाद साहब आ जाएंगे तो उसके 5 मिनट बाद साहब इनको बुला के ये बना लो, बताइए सर आप दोनों आइए और कमिटमेंट करिए, कमिटमेंट यही है, एक मिनट चलिए बताइए, कमिटमेंट यही है दीपक सर, विशाल भाई एमडी सर, अगर जिस दिन आएंगे आई विल प्रॉमिस यू तुरंत मेरा फोन आपके पास जाएगा, तुरंत आपको फोन आऊँगा और आपको आके मिल के बात, अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं या फिर अभी आ रहे हैं, वो जिस दिन आएंगे जैसे आएंगे मैं सबसे पहले आपको मिलूँगा, यही सबके सामने जी बोल। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं 6 दिनों में आपको ज्ञापन दे के गया हुआ था, ठीक है, नहीं वही बात वो नहीं कर रहा, अरे मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ सर, मेरा बात वही कहा, मैं बोला 6 दिनों में आपको 6 दिन का मैं समय दिया था, मैं अभी मैं कोई दिन नहीं दे रहा सर, लेकिन मैं वेट करूँगा जरूर, लेकिन सर से पानी ऊपर जाएगा तो आज ही जो अभी मेरे पास आ जाना, मेरे पास छतरी है, नहीं तो मैं दे दूँ, आज आ जाते हैं, मैं आज भिजवा दूँगा, शाम को आ जाए कर ला नंबर है उनके पास है सर है, और मैं जरूर वेट भी करूँगा, जैसे नहीं हुआ मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है सर, एक लास्ट टाइम बोल के जा, नहीं नहीं भैया मेरी बात करूँगा और क्या बोलूँगा, मेरी अकेले की बात नहीं, आज जितने जो खड़े ना सर सबकी आवाज़, और इनकी देखो विशाल भाई सम्मान आपका कल भी था मेरे लिए, आज भी है, कल भी रहेगा, प्रश्न है सर नहीं, इससे रहेगा परसों भी रहेगा,
आपका सम्मान रहेगा। आपको जो टाइम बोले ठीक है भाई, फिर एक बार समय देते हैं कि नहीं देते? एक बार समय दे देते हैं, नहीं होगा तो देखिए सर मैं यहाँ कमिटमेंट अब मैं भी करके जा रहा हूँ। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने कमिटमेंट किया कि आप बुला के बात करेंगे, तभी सुनोगे भाई। आप हम लोग कमिटमेंट देते हैं कि अगर इन लोगों ने हम लोग से संपर्क नहीं किया तो चाहे पुतला जलाना पड़े, चाहे चक्का जाम करना जाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन हम लोग इसके लिए बड़ा घेराव करेंगे। बोलो भारत माता की जय।